हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैट कटर ड्रिंक की एंड वेट लॉस ड्रिंक की। सो पॉइंट है कि मेरे बैच में इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट लॉस हुआ है 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो। मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करती रहती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में भी, इंस्टाग्राम पे भी, फॉर योर मोटिवेशन। नाउ पॉइंट है कि जब भी बंदे का वेट इतना सर्टेन अमाउंट में गिर रहा होता है, एक स्टेज आता है जहाँ पे उसका वेट लॉस का प्लेट्यू आ जाता है। पहली चीज़ अंदर से मन खत्म हो जाता है कि मुझे और वेट लॉस करना है या नहीं करना, अपने टारगेट वेट पे आना है कि नहीं आना। सेकंड इज बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भैया मेरा इतना तो चला गया है, बाकी के 10-15 किलो जो बचे हैं वो मैं आराम से निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। थर्ड इज सब कुछ करते हुए भी अगर आपका प्लेट्यू हो रहा है, वेट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत सारे हर्ब्स की ड्रिंक्स जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं। काफ़ी लोग गलतियां ये करते हैं कि वेट गिरने के चक्कर में क्रैश डाइट पे आ जाते हैं। जब आप क्रैश डाइट पे शिफ्ट कर जाते हो तब आपको और ज़्यादा भूख लगती है। बहुत लंबे समय तक हम किसी भी क्रैश डाइट पे नहीं रहना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही मैसिव आपको डिफिशेंसीज आ जाएंगे, बाल उड़ जाएंगे, स्किन उड़ जाएगी, और ट्रस्ट मी जैसी आप नॉर्मल फूड पे जाओगे आपका वेट सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा। हमारी डाइट में हर एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी हर्ब की टी की जिसको मैं बोलती हूँ फैट कटर ड्रिंक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या फैट कटर ड्रिंक लेने से और कुछ भी खाने से हमारा वेट कम हो जाता है। टोटली नो। फैट कटर ड्रिंक क्या करती है, आपके वेट लॉस जर्नी को पुश करती है, आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। बट अगर आप लोगों का वहम चल रहा है कि फैट कटर ड्रिंक लेने से आपका वेट लॉस हो जाएगा और फैट कट हो जाएगा बॉडी का, सो यार ये टोटली काटा रॉन्ग, ये बंदे को पागल बनाने वाली बात होती है। सो हम बात करेंगे फैट कटर ड्रिंक की, बट उसके साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक डाइट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप पूरा टाइम हेल्दी खाना खा रहे हो, वो भी पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हो, ट्रस्ट मी आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। बट अगर प्लेट्यू आया हुआ है तब अगर आप किसी भी हर्ब की टी, अच्छे से अच्छे हर्ब्स की टीज आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहेंगे और उसको टाइम टाइम पे चेंज करते रहेंगे, आपका वेट लॉस जो है वो पुश होता रहेगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पे मैं बात करती हूँ पोर्शन कंट्रोल की। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट हेल्दी हेल्दी के नाम पे वो एक्सेस में खाना खा जाते हैं। जहाँ पे मैं लिख के देती हूँ कुछ मेंबर्स को कि 2 से 4 टिक्की खानी है, बंदा 8 टिक्की खा जाएगा और वहाँ पे ये बात होगी कि मैम ये तो हेल्दी है तो मैं ज़्यादा खा गया या खा गई। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोजमेरी। नाउ रोजमेरी एक ऐसा हर्ब है जिसको आप काफ़ी बारी घूमते हुए मॉल्स में देखोगे कि रोजमेरी परफ्यूम, रोजमेरी फ्रेगनेंस, या फिर रोजमेरी जो होती है यूजुअली हम चिकन में डालते हैं अच्छी सी फ्रेगनेंस के लिए, रोजमेरी जाने ही फ्रेगनेंस के लिए जाता है। बट यहाँ पे पॉइंट हम बात करेंगे कि वेट लॉस में रोजमेरी किस तरीके से हेल्प करता है। रोजमेरी जो हर्ब है, जितने भी मेरे NRI मेंबर्स होते हैं मैं उन सबको बहुत आराम से देती हूँ रोजमेरी। फ्रेश रोजमेरी तोड़ो, उसको बॉईल करो और उसको लो, अपनी डाइट में अलग अलग तरीके से ऐड करो। कभी डिटॉक्स वाटर में ऐड करना है, कभी मॉर्निंग ड्रिंक, कभी नाइट ड्रिंक। बट इंडिया के अंदर रोजमेरी जो है ड्राई मिल रहा है Amazon पे, सो किसी भी ब्रांड का आप पिक कर सकते हो। और रोजमेरी की टी कैसे बनेगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट उसके बेनिफिट्स पे अगर हम बात करें तो रोजमेरी आपके साथ बहुत अच्छा काम करती है, आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क करती है। सो रोजमेरी किस तरीके से आपकी बॉडी पे हेल्प करता है। रोजमेरी एक रिच सोर्स है विटामिन बी, आयरन एंड कैल्शियम का। जिन लोगों के रूट से बाल निकल रहे हैं अगर वो रोजमेरी टी को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करते हैं, ट्रस्ट मी 15 से 20 दिन के अंदर आपके हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, रोजमेरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करता है एंड मेटाबॉलिक रेट पे काम करता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है, आपको IBS का प्रॉब्लम है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, आपको बहुत मैसिव कॉन्स्टिपेशन का इशू चल रहा है, आप रोजमेरी टी ऐड करेंगे अपनी डाइट में खाना खाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लंच कर रहे हैं, लंच से 1 से 1.5 घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले ही अगर आप अपनी रोजमेरी टी लेंगे, ये वंडर्स वर्क करेगा, आपके पोर्शन कंट्रोल पे वर्क करेगा, आप एक्सेस जो खा जाते हो उस पे काम करेगा, आपकी भूख को थोड़ा सा नीचे कर देगा एंड आप कंट्रोल पोर्शन में आप अपना खाना खाएंगे। रोजमेरी एक एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कैरी करता है जिसकी हेल्प से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से जाता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है आपकी स्किन पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट, रोजमेरी वर्क करता है आपके ब्लड शुगर लेवल पे। आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, अगर आप रोजमेरी टी अपने लंच से या ब्रेकफास्ट से पहले एक बार अपने दिन में ऐड कर देंगे, ट्रस्ट में आपका जो शुगर लेवल है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगा 10 से 15 दिनों के अंदर। एंड रोजमेरी का सबसे अच्छा चीज़ पता है क्या होता है, ये पीने में कड़वी टेस्ट नहीं करती, ये अच्छा टेस्ट देती है। एंड ये आपके ना फोकस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना मेमोरी लॉस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मन कहीं नहीं लग रहा, बंदा भटका पड़ा है, दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग शांत नहीं हो रहा, मैं रोजमेरी टी
यूजुअली लेती हूँ रात को सोने से पहले नींद आ जाए तमीज़ से, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रही होती हूँ। तो रोजमेरी टी आपको ना फोकस करने में भी हेल्प करता है एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। मेमोरी लॉस जिनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं ये नहीं कहती कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बट इट हेल्प्स। सो रोजमेरी टी हम यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे बनानी है, सबसे पहले इसकी रेसिपी देखते हैं, चलते हैं किचन में। ओके, सो ये रहा मेरे पास ड्राई रोजमेरी, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड इसमें खुशबू बहुत अच्छी है एंड ये इस तरीके से दिखेगा आपको। अब हम बनाते हैं इसकी टी। ओके, यहाँ पे मेरा वाटर जो है वो बॉइल हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा एक चम्मच जितना ड्राई रोजमेरी। इसको बहुत अच्छे से हम बॉइल करेंगे जब तक ये हाफ कप हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे थोड़े से फेनल सीड्स। नेक्स्ट इसको स्ट्रेन करेंगे। Here we go. It's ready. वेलकम बैक जी। सो ये थी हमारी रोजमेरी टी। अब रोजमेरी टी लेनी कब है, आप इसको लंच से पहले ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले एज अ मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं एज योर नाइट ड्रिंक। बट रोजमेरी टी 15 दिन लगातार लेंगे, 16वें दिन आप अपनी टी चेंज कर लो। मतलब ये नहीं है कि इसी ड्रिंक को पकड़ के आपने लंबा स्ट्रेच करना है। हर हर्ब इम्पॉर्टेंट है, हर हर्ब की अपनी अलग अलग वैल्यू है। सो हमेशा अपनी जो हर्ब्स आप यूज़ करें उन सबको थोड़ा टाइम के बाद इसको चेंज करते रहना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड या रोजमेरी फटाफट ऑर्डर कर लेंगे हम अमेजोन से और उसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे आने वाले कुछ वीक्स के लिए। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।